नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपका फिर से सोना टेरेस गार्डन पे स्वागत है। मैं सुनीता, आज मैं जो बताने वाली हूँ वो पहले आप ये मौसम देखिए। अभी ठंड का मौसम उतना अच्छा से नहीं आया है, धूप निकल ही जाता है दिन में, फिर भी ठंड है सुबह शाम। बादल आज तो सुबह सुबह मौसम ऐसा लग रहा था कि धूप ही बादल ही हो जाएगा, पर धूप निकल आया। फिर आज मैं आपको बताने वाली हूँ धनिया को किस तरह ग्रो कर सकते हैं हम अपने छोटे से स्पेस पे, और क्या क्या धनिया ग्रो करने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। पहले हम धनिया को अगर आप मार्केट से ख़रीद लाएंगे और इसे हम ये मेरे अभी मैं इसको फर्श पे पूरा सफाई करी थी और उसके बाद रखी, और इसको लेकर ये जो है भारी हैवी चीज़ से, जो भी हैवी हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो पत्थर है उसी से, हैवी चीज़ से सारे को हम अच्छी तरह से पहले इस तरह मस लेंगे, इस तरह स्मैश करेंगे कि दो दो टुकड़े हो जाए। दो दो टुकड़े को अच्छी तरह से पहले हम इसको कर लेंगे, और इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं ग्रो करने का ट्रिक। मैं पहले बताती हूँ कि इसे हम डायरेक्ट सॉइल में डाल देंगे तब पर भी ग्रो हो जाएगा, क्योंकि मौसम अभी विंटर सीजन चल रहा है, अच्छे से हो जाता है। और नहीं तो आप इसे हम एक दिन के लिए जैसे रात भर पानी में भिगो कर डाल दें। देखिए किस तरह दो टुकड़े हो गए हैं ये, इसे हम दो दो पीस का, ऐसे नहीं है चूर नहीं होता, बस दो दो टुकड़े हो जाते हैं। और इस ग्रोइंग का सबसे अच्छा ट्रिक यही है, डायरेक्ट आप साबुत ना डालें और दो दो टुकड़े कर ही अच्छी तरह से ग्रो होता है। और इसका और केवल ये ग्रो करने का और क्या क्या इसका ज़रूरत पड़ेगा, पहले हम सॉइल को भी, इसको मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ आपको, काफ़ी टुकड़ा हो चुका है, ये दो दो पीस में टुकड़ा हो चुका है। और इसे हम सॉइल किस तरह मिक्स करेंगे, सॉइल इसकी क्या चाहिए, क्या क्या मिक्सचर बनाएंगे, किस तरह, पहले हम ये जो टुकड़ा करा है इसको पानी में हम अभी भिगो देंगे, और कभी दूसरे वीडियो बनाऊंगी तो उसमें हम ग्रोइंग का चीज़ वही है, बस केवल इसको है कि हम भिगो कर डालेंगे। और अभी जो मैं आपको ट्रिक दिखा रही हूँ उसमें हम सूखा जो अभी मैंने चूरा है, दो दो टुकड़े किए हैं, उसे ही किस तरह वो सॉइल में ग्रो करेंगे उसके बारे में बताऊंगी। इसको मैं पानी में अभी वाटर में रात भर के लिए भिगो दे रही हूँ, दूसरे दिन मौका मिलेगा तो मैं इसको हो सकता है डाल दूँ वीडियो बनाकर कि किस तरह, पर थोड़ा सा ही दिखाऊंगी क्योंकि मेन चीज़ आज हम डिटेल्स में ज़रा जाएंगे। पहले अभी आपके पास अगर छोटा सा किचन गार्डनिंग का सबसे अच्छा है कि कोई भी धनिया आप छोटे छोटे बर्तन में, अगर आपके पास वेस्ट कोई भी डब्बा है तो आप उसमें भी ग्रो कर सकते हो। मेरे पास अभी दिवाली के सारे डब्बे वगैरह पड़े हुए थे, और बगल में शादी हुआ था उसका भी मिठाई के डब्बे थे। ये काफ़ी गहरा है, इसमें अच्छा से धनिया ग्रो हो सकता है। देखिए मेरा उंगली पूरा अंगुल जो फिंगर्स है चला गया अंदर, मतलब काफ़ी गैपिंग है इसमें, इसमें हम धनिया ग्रो अच्छी तरह से कर सकते हैं। और पहले हमने इसमें होल कर लिया है चाकू से, ये तो गत्ते से ज़रूरत नहीं पड़ता गरम चाकू से करने का, मैं ऐसे ही कर ली केवल घुसा कर, पाँच कर लिया है मैंने होल, और सारे में मैं ये रोरी रख रही हूँ, पहले रोरी रख लेती हूँ और आपको बताती हूँ पहले। और अब मिट्टी जो सॉइल है किस तरह होना चाहिए, मेरे पास सारा फर्टिलाइज़र युक्त सॉइल है, गार्डन सॉइल जो भी मैं अभी ग्रो कर कर बहुत सारे
प्लांट्स हटाई, उसके सॉयल में इकट्ठा करके रखी हुई थी, वही सॉयल है ये, इसमें फर्टिलाइज़र सारा मिक्स है। फिर भी मैं इसमें अभी डालूँगी, अगर कुछ नाम मात्र का कमी आ जाए, मैं चाहती हूँ कि अच्छी तरह से धनिया ग्रो हो, उसमें हिस्ट पुस्ट निकले, इसलिए मैं इसमें काउडंग का डालूँगी और थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर भी डालूँगी। टर्मरिक पाउडर तो इसलिए डालती हूँ क्योंकि अगर कीड़े उड़े सॉइल में हो तो सारे ख़त्म हो जाए। ये देखिए, मैं काउडंग का सारा को पानी में पहले भिगो कर रखी रहती हूँ, और जो भी टुकड़ा थोड़ा सा है सॉइल में, जो भी मिक्सचर है, अभी मैं जो भी ग्रोइंग टिप्स ही चल रहा है मेरे गार्डन में, टेरेस गार्डन में, स्मॉल टेरेस गार्डन में, तो इसको मैं पहले ये जो काउडंग है सारे को मिक्स कर दूंगी अच्छी तरह से। अब देखिए ये धनिया हल्दी, सॉरी हल्दी जो है, टर्मरिक पाउडर भी मैंने मिक्स कर दिया है, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पहले मिक्स करने के बाद ये तैयार हो गया सारा सॉइल, एकदम मिक्सचर फर्टिलाइज़र युक्त हो गया है। और पहले हम एक लेयर दो तीन अच्छी तरह से कम तीन पार्ट में इसको कवर कर देंगे कि दिखना ना चाहिए, सॉइल है जो सारा, मतलब गत्ते को कवर कर लेंगे सारे को, नीचे का जो पोर्शन है, और इसको हम अच्छी तरह से फैला लेंगे सॉइल को, झिटके वगैरह भी दिखना नहीं चाहिए। जो भी मैंने डाला है अभी उसको अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। कवर करने के बाद सारे सॉइल डाल दिया मैंने। अब इसमें जो मैं धनिया को, कोरिएंडर को टुकड़े करी थी दो दो पार्ट में, उसे हम अब इसको स्प्रिंकल कर देंगे, एक एक दाने नहीं, सारे को अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर देंगे इसमें, और सारे को स्प्रिंकल कर देंगे जहाँ तक है जाए हुए। अगर सही, जो जो सही होगा वो प्लांट्स बन जाएगा, और जो नहीं सही होगा वो मिट्टी में मिक्स कर बनकर खाद बन जाएगा। नहीं, ज़्यादातर मैं कोशिश इसीलिए मैं डाल देती हूँ कि जो भी सही हो, पर अभी तो अच्छी तरह से ठंड में, देखिए मैं पहले भी ग्रो कर चुकी हूँ, अभी आपको दिखाऊंगी। देखो धनिया निकल गया है, ये मेरे पास अभी सारे बहुत सारे गत्ते पड़े हुए थे, सारे में बेस्ट गत्ते फेंकने से अच्छा है कि थोड़ा प्लांट्स वगैरह कुछ ग्रो कर लो। इस तरह आप बिगिनर्स हैं जो नए नए प्लांट्स लगाना चाहते हैं, वो भी आसानी से ये काम कर सकते हैं, ज़्यादा उन्हें बड़े गमले की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। आप इसमें धनिया आराम से, आपके घर में ज़रूर डब्बे वगैरह कुछ भी मिल जाता है, उसमें आप धनिया ग्रो कर सकते हो। धनिया, पुदीना, ये सब बहुत ही आम है, ये किचन में होना ही चाहिए। अब कभी बहुत लोग के दिमाग में, मार्केट में तो मिल ही रहा है ठंड में, तो क्या ज़रूरत है घर में ग्रो, पर डायरेक्ट आप अब तुरंत अगर चाहते हो को कि अब मुझे आज भी धनिया चाहिए तो नहीं मिल पाता है, इसलिए ऐसे ग्रो करो तो आराम से तोड़कर यूज कर सकते हो आप। इसलिए घर में धनिया पुदीना तो होना ही चाहिए आपके गार्डन में, नहीं तो बालकोनी में ग्रो करके रखे रहना चाहिए। इसमें हल्का सा पानी डालूंगी अभी, यही ट्रिक है। और एक चीज़ और मैं बताना चाह रही हूँ, ये प्लांट निकलने में कम से कम 20 डेज या 25 डेज लग जाता है, इसलिए अब तुरंत नहीं लगता। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, कमेंट और शेयर भी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।